हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिरसा आंदोलन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा आंदोलन। अगला प्रश्न है, उलगुलान का अर्थ है, उलगुलान का अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि विद्रोह और महान हलचल दोनों। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ? मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ? खंड जीके के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक ले सकते हैं। में प्रत्येक टॉपिक को डिटेल्स में बताया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिया गया है। जो आने वाला एग्जाम है उसको ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस बुक में एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा करेंट के क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1895। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधारवादी। अगला प्रश्न है, बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? मुंडा उलगुलान किन उद्देश्यों से प्रेरित था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह बोंगा धर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वीडियो को पॉज करके आप इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोगा का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंह बोगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करके। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट फील्ड। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनका मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमा मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनकी मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? मुंडा आंदोलन का
प्रमुख गीत क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटोंग बाबा कटोंग। अगला प्रश्न है, अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान निम्न में से किस आंदोलन के दौरान किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा आंदोलन। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया मुंडा उलगुलान के दौरान? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो बार। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अगस्त 1895। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेयर्स। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर 1897। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया? वीडियो को पॉज करके आप इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर 1899। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुम्बारू मोरू में। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमबारी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, डोमबारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट फील्ड। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पकड़ने हेतु अंग्रेज ने कितना इनाम घोषित किया था? अंग्रेजों ने कितने का इनाम घोषित किया था बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर सिंह माहली। अगला प्रश्न है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त 1899। अगला प्रश्न है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमको पाई। अगला प्रश्न है, जमको पाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सो रहे थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जून 1900। अगला प्रश्न है, बिरसा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची जेल। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। तो ये थे बिरसा मुंडा से संबंधित 40 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।